अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने इमेजेस को डिस्कस किया था, इस क्लास में हम हेडिंग को डिस्कस करेंगे। हेडिंग का क्या रोल होता है, व्हाट इज़ हेडिंग टैग। हेडिंग टैग एक ऐसा हेडिंग टैग होता है जिसकी मदद से हम गूगल पर अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक पर ले आते हैं। देखो, जो हमारे वेबसाइट के डोमेन नेम में नेम होगा उसका ही हेडिंग बनाकर अगर रख देंगे, अगर ऐसा करेंगे तो वो वेबसाइट तो हमारी टॉप पर आ जाएगी, लेकिन सिर्फ वहीं पर ही हम महदूद रह जाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। तो क्या करना चाहिए इसके हवाले से, टाइटल को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, सही है। अगर मेरी वेबसाइट है कंप्यूटर पाकिस्तान, मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि ये रियल टाइम एप्लीकेशन है ना। आप इस वेबसाइट पर जाओगे और इसके ऊपर रिसर्च करोगे, जो कुछ मैं बता रहा हूँ वही आपको मिलेगा, तो वो अप्लाई करोगे ना, फॉलो करोगे तो अप्लाई करोगे ना भाई, सॉरी। ओके, हेडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हेडिंग 1 से लेकर 6 तक होती हैं, और जैसा कि नंबर 1 पर जो हेडिंग हम देते हैं वो क्या होता है, वो हेडिंग हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। वो हम गूगल को कहते हैं कि नंबर 1 पर प्रायोरिटी दो हमारे इस टाइटल को, नंबर 2 पर इसको, नंबर 3 पर इसको, नंबर 4 पर इसको, जिस तरह से SEO के अंदर मैंने आपको SEO डायग्नोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हेडिंग का क्या मतलब होता है, हाउ टू यूज़, वो भी मैंने आपको यूज़ करके बताया था, करेक्ट यूज़ एंड करेक्ट। आप एटलीस्ट 1 H1 यूज़ कर सकते हो, एक हेडिंग 1 यूज़ कर सकते हो, करेक्ट यूज़ इसका ये है। अगर H1 डायरेक्ट 3 मरतबा H1 दोगे ना, फिर वो वेबसाइट आपकी पेनालाइज हो जाएगी, वो कहेगा, गूगल कहेगा कि किसके पास जाऊँ मैं, एक ही पेज पर 3 मरतबा कह रहा है कि ये इसको प्रेफर करो, इसको प्रेफर करो, इसको प्रेफर करो, इस टाइटल को प्रेफर करो, इस टाइटल को प्रेफर करो, इसको प्रेफर करो, तो वो गूगल कहेगा कि यार देखो इसको यहीं पर ही रहने दो, छोड़ दो बस इसको, ये ज़्यादा सियाना बन रहा है, मीन्स चालाकी कर रहा है। तो एक पेज पर एक ही हेडिंग दोगे ये इसका करेक्ट होगा, अगर एक से ज़्यादा दोगे H1 तो वो इनकरेक्ट होगा, उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको हेडिंग के हवाले से भी, हेडिंग के यूज़ के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से यूज़ करेंगे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।